हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरला अमिता। आज मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ ऐसी ज़रूरी टिप्स जिससे आपकी भिंडी का स्वाद हज़ार गुना बढ़ जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो लिसलिसा या चिपचिपापन होता है वो भी बिल्कुल चला जाएगा अगर आप ये ज़रूरी टिप्स अपनाएंगे। तो सबसे पहले भिंडी जब भी आप वॉश करें या जब भी आपको उसे बनाना हो तो उसे पहले से ही वॉश करके यानी कि धो कर रख दें, और जब ये पूरी तरीके से अच्छे से सूख जाए यानी कि ड्राई हो जाए उसके बाद आप इसको कट करें। अगर आपको लगता है कि कट करने के बाद भी आपके पास कुछ देर के लिए समय है जब तक कि आप कुछ और काम कर रहे हैं, तो इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे भी सुखा सकते हैं कट करने के बाद, जिससे कि जो इसका मॉइस्चर अंदर है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद आप इसको बनाना शुरू कर सकते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डाला तेल, तेल में डाला ज़ीरा और खड़ी धनिया, उसके बाद इसमें डाली है मैंने हरी प्याज। हरी प्याज डालने के बाद मैंने डाली है कलौंजी और इसको अच्छे से कुक करूँगी। जब हमारी प्याज हल्की सी गुलाबी हो जाएगी तो उसमें डालूँगी मैं लहसुन और हरी मिर्च। लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से कुक कर लूँगी। ये सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद जब हमारी जो प्याज और लहसुन है वो अच्छे से कुक हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 हल्दी और थोड़ी सी हींग डाली है, और फिर इसको अच्छे से गुड मिक्स दूंगी। जब हमारे मसाले अच्छे से सिक जाएंगे तब मैं डालूंगी इसमें दरदरी मूंगफली। जी हाँ, इससे ये थोड़ा सा एक क्रिस्पी टेक्स्चर देता है और खाने में भी बहुत स्वाद लगता है। आप अगर मूंगफली नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप बेसन भी प्रयोग कर सकते हैं, पर उस ध्यान रखें कि बेसन को आप पहले से थोड़ा सा सेक लें। 1 टीस्पून बेसन डाल सकते हैं मूंगफली की जगह, और फिर उसके बाद मैं डालूंगी इसमें भिंडी जो कि मैंने लंबे आकार में काट ली थी, और इसको अच्छे से गुड मिक्स दूंगी। सारे मसाले और भिंडी को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और फिर इसके जो कढ़ाई की लिड है वो ढाक दूंगी और भिंडी को कुक होने दूंगी, और गैस की जो फ्लेम रहेगी वो हमारी लो पे रहेगी। जब हमारी भिंडी कुक हो जाएगी, यहाँ पे एक ज़रूरी बात यानी कि टिप ये कि जब भी आप भिंडी को पकाएं तो उसे पूरा कवर ना करें। देखिए मैंने इसको हाफ कवर ही किया है, तो ये बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, कभी भी भिंडी को पूरा ढाके ना। तो इस तरीके से हमारी जो भिंडी है वो कुक भी हो गई और उसमें मॉइस्चर भी नहीं आएगा। और आखिरी में मैंने इसमें डाल दिया है अमचूर पाउडर जो हमारा टेस्ट एनहांस करेगा भिंडी का, और स्वाद उससे बढ़ के आएगा। तो हमारी चटकारेदार भिंडी बनके तैयार है, इसे गरम गरम रोटी के साथ इंजॉय करिए। भिंडी हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, ये डाइजेशन इम्प्रूव करती है, डायबिटीज़ कंट्रोल रखती है और इसके कई फ़ायदे हैं, तो इसे ज़रूर अपने मील में इंक्लूड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंडरला।